दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां किसी भी टीम के लिए एक हार सेमीफाइनल से बाहर होने का रास्ता बना सकती है। फिलहाल टूर्नामेंट में अभी तक 24 मैचों के नतीजों पर नजर डालें तो चीजें काफी साफ होती जा रही हैं। कौन सी टीमें सेमीफाइनल के लिए आगे बढ़ रही हैं और कौन सी टीमें दूर होती जा रही हैं, यह भी काफी हद तक क्लियर हो रहा है। तो चलिए जानते हैं 10 टीमों में से कौन सी 6 टीमें सेमीफाइनल से लगभग बाहर होती दिख रही हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों खिताब जीतने की रेस में जो लगभग 6 टीमें बाहर होती नजर आ रही हैं वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीदरलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और बांग्लादेश। ये टीमें सेमीफाइनल में जाने के लिए कड़ा संघर्ष करती दिख रही हैं। पाकिस्तान 5 मैचों में सिर्फ 2 ही जीत पाई है, उसके अब सिर्फ 4 मैच बचे हैं। अगर वो इनमें 2 मैच भी हार जाती है तो वह बाहर हो जाएगी। वहीं नीदरलैंड 4 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई है, उसके लिए बचे 5 मैचों में 4 जीतना आसान नहीं होगा। वहीं ऐसा ही हाल श्रीलंका का है, जिसको अपने मैच अभी इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना बाकी है। वहीं अफगानिस्तान 5 मैचों में 2 जीत के साथ 6 स्थान पर है, उसे अपने बचे 4 मैच ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं। साथ ही बांग्लादेश भी 5 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीत पाई है, उसके लिए भी अब सेमीफाइनल में जाने का रास्ता पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। अगर बात करें सेमीफाइनल में जाने वाली 4 टीमों की तो टीम इंडिया का नाम सबसे पहले नजर आता है। भारतीय टीम लगातार 5 जीत के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका, जो सिर्फ 1 मैच हारी है। वहीं न्यूजीलैंड 5 मैचों में 4 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों में 3 जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए तैयार है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने बचे 4 मैचों में से 2 मैच जीत जाता है तो उसकी जगह सेमीफाइनल में पक्की हो जाएगी, और ये संभव भी लग रहा है क्योंकि उसे अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी कमजोर टीमों से भिड़ना है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।